रीवा जिले में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में छात्रों ने सत्याग्रह कर सीट वृद्धि की मांग की है। इतना ही नहीं, छात्रों ने गेट में तालाबंदी कर प्रबंधन का विरोध जताया। छात्रों की मांग है कि कॉलेज में सीटें बढ़ाई जाएं, जिससे गरीब छात्र एडमिशन ले सके। कोविड महामारी के चलते कई माह तक कॉलेज बंद रहे। अब जब कॉलेज खुल गए हैं तो छात्र एडमिशन लेने से वंचित हो रहे हैं। कई छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाया है। छात्र लगातार एडमिशन की मांग कर रहे हैं। आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र गेट में तालाबंदी कर विरोध जताते रहे और इनकी मांग ये है कि कॉलेज में सीटें कम होने से छात्र एडमिशन लेने से वंचित हो गए हैं। तो कॉलेज के छात्रों ने पहले भी कमिश्नर और उच्च शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंप कर सीट बढ़ाए जाने की मांग की थी, लेकिन मांगों पर विचार नहीं हुआ। छात्रों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, सत्याग्रह चलता रहेगा। आज हम सभी आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र सीट वृद्धि को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। जैसा कि हम सभी छात्रों ने पिछली बार भी और अभी विगत कुछ दिनों में भी अधिनियम चालक महोदय को सीट वृद्धि के लिए ज्ञापन सौंपा था और साथ ही कमिश्नर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन करीब एक हफ्ते और चार पाँच दिन का हमने समय दिया और देखा कि किसी प्रकार की भी सीट वृद्धि नहीं की गई। इस बार कोरोना काल में आपके हायर सेकेंडरी स्कूल के भी रिजल्ट 100% आए और बीए बीएससी बीकॉम के भी रिजल्ट 100% आ गए, जिसके कारण सीट का संकट हमारे मध्य प्रदेश में उमड़ गया है। जिसको दूर करने के लिए हमारे हायर एजुकेशन द्वारा 25% तो सीट बढ़ाई गई, किंतु जब सीएलसी दूसरा राउंड चालू किया गया तो सीट की कमी आ गई। हम साथ छात्र सब यही चाहते हैं कि जो गरीब छात्र हैं, प्राइवेट कॉलेजों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको एडमिशन देने के लिए सीट वृद्धि की जाए। और हम लोगों ने सत्याग्रह के माध्यम से आज यहाँ पे बैठ के शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन चालू रखा है। जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आ जाते हैं, तब तक हम अपना प्रदर्शन आरंभ करें। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ पर? हमें बैठे करीब 3 घंटे हो चुके हैं। किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा हम लोगों का कोई हाल नहीं जाना गया है और न किसी प्रकार की सूचनाएँ दी गई। कॉलेज में तालाबंदी का कार्यक्रम चालू है। पहले कुछ छात्र अंदर जा चुके हैं, कर्मचारी अंदर जा चुके हैं जो अपने काम में लगे हैं, उसके बाद से बंद। देखिए, यहाँ पे आज हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से अपनी मांगों को पूरी करने के लिए बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि महाविद्यालय में सीटों की बहुत ही ज़्यादा कमी है, जिससे छात्र एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे छात्र हैं जो विगत वर्षों भी एडमिशन नहीं लिए थे, इसी वजह से कि सीट की कमी आ गई थी। तो इसी सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीटों में वृद्धि कर दी जाए। और कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कमिश्नर महोदय, अतिरिक्त संचालक महोदय और प्राचार्य महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि तालाबंदी कर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, सुनवाई नहीं की जाती, हम लोग धरने पर बैठे रहे। करीब ये 3.5 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे, लेकिन अभी तक ना कॉलेज का कोई प्रतिनिधि आके हम लोगों को कोई आश्वासन दिया, ना ही कोई जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि आया। हम लोग यहाँ ऐसे ही बैठे हैं, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।